नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ गुरुवार व्रत की थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसमें बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैंने बना करके तैयार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थाली। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन, क्योंकि गुरुवार के व्रत में नॉर्मली क्या होता है कि बेसन से बनी हुई चीज़ें या फिर पीला भोजन खाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। अब मैंने क्या किया था कि जो पत्ता गोभी होते हैं ना, उसको छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट करके रख लिया था। आप चाहे तो गाजर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। धनिया की पत्ती को भी मैंने कट करके रखा हुआ था, तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, होममेड गरम मसाला का पाउडर। ये मैं घर पे तैयार करती हूँ, इसलिए इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च। और अब इसको हम हल्का हल्का सा पानी डाल करके और इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 2 हरी मिर्च मैंने ऐड कर लिया। अब हल्का हल्का सा पानी डाल करके और बैटर तैयार करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने व्रत की बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप उन सभी को चेक कर सकते हैं। आप गुरुवार का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, आपको गुरुवार के व्रत की बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स हमारा तैयार है, तेल भी हमारा गर्म है, तो पकौड़े हम फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम क्या हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं व्रत के खाने में? तो जी हाँ, घी जो होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो घी का इस्तेमाल करते हैं, तो माना जाता है कि खाना जो होता है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग अगर चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ वो मैं रिफाइंड ऑयल में कर रही हूँ, क्योंकि घी में पकौड़े तो फ्राई होंगे नहीं, उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वैसे काफ़ी लोग घी का ही इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने में भी, उन्हें अच्छा लगता है, वो हमेशा से खाते आते हैं तो उन्हें वो फ्लेवर जमता है। बट मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पराठे, पूरियाँ, उसके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा वगैरह के लिए। तो सारे पकौड़ों को मैंने इसमें डाल दिया, अब इसको फ्राई होने देंगे। तो अब हम यहाँ पे सभी पकौड़ों को एक एक करके पलट लेंगे। और दूसरे साइड से भी इसको फ्राई होने देंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे बिल्कुल पकौड़ों को फ्राई नहीं कीजिए, नहीं तो वो क्या होता है कि ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये पक गए हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए, तो अच्छे से अंदर तक जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्राई होंगे, काफ़ी बढ़िया सा एक टेस्ट आएगा। तो पकौड़ों में मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो मैं वीकली व्रत करती हूँ ना, तो मैं तो सारे नहीं करती, बट काफ़ी लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, काफ़ी बृहस्पति का करते हैं, काफ़ी लोग इतवार का करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जो मैं करती हूँ, जैसे मैं मंगलवार का फास्ट रखती हूँ और संडे का रखती हूँ, तो मैं जो वीकली व्रत करती हूँ उसमें मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करती। मैं बिल्कुल भी नमक नहीं खाती, सेंधा नमक भी नहीं खाती, क्योंकि एक बार ही तो खाना रहता है ना, तो इसलिए मैं नमक को पूरी तरह से अवॉइड कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, प्लेन नमक बिल्कुल मत डालिएगा, हल्का सा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अगर एक दिन नमक ना खाया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप अगर कोशिश कीजिए कि आप नमक को अवॉइड ही कर दीजिए। बट अगर आप नहीं खा सकते बिना नमक के, तो हल्का सा सेंधा नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे बहुत ही टेस्टी क्रंची से पकौड़े पूरे तरीके से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब इन सभी पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पकौड़े हमारे तैयार हैं। तो अब चलिए हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिस बाउल में हमने पकौड़ों के लिए बैटर तैयार किया था, उसी में हम करी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं हल्का सा दही और पानी, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम बेसन डालेंगे,
और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। थोड़े से पानी मैं और ऐड कर देती हूँ, बाकी पानी हम बाद में ऐड करेंगे। तो पहले जो बेसन का जो लम्स है उसको यहाँ पे ख़त्म करना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाले डालेंगे और उसके बाद हम इसको कढ़ाई में प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसे पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी मैं डाल रही हूँ, बाद में और पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तेल में हम डालेंगे साबुत जीरा, लाल मिर्च, दो तेज पत्ता और हमने जो घोल तैयार करके रखा हुआ है उस घोल को हम इसमें डाल देंगे। पहले यहाँ पे हम जीरा वगैरह को पकने देते हैं। मसाले पक चुके हैं, घोल को डाल देंगे, पानी डाल देंगे और यहाँ पे कढ़ी को भी हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो कढ़ी यहाँ पे जल्दी गाढ़ी हो जाती है और बेसन अच्छे से पकता नहीं है। तो इसलिए मीडियम और लो फ्लेम पे आप इसको डाल दीजिए, धीरे धीरे ये बहुत ही बढ़िया से पकड़ के तैयार हो जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, होममेड गरम मसाला का पाउडर, ये बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है, चटपटा सा। और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ी है पूरी तरह से पक कर के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े डाल देंगे। अब डाल देंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हमारी बृहस्पतिवार स्पेशल कढ़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, होममेड गरम मसाला का पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल करके हम बैटर तैयार कर लेंगे। घोल यहाँ पे हमारा तैयार है। तो गोभी के पीस को मैंने कट करके रखा हुआ है, उसको इसमें डाल देंगे, इस तरह से कोट कर लेंगे और अब पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म है तो पकौड़ों को इसमें डाल देंगे। अब फ्राई होने देते हैं। अब हम इन्हें पलट लेते हैं इस तरीके से और दूसरे साइड से फ्राई होने देंगे। तो अब जो हमारे गोभी के पकौड़े हैं पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, अब इन सबों को हम निकाल लेते हैं। आज की नेक्स्ट रेसिपी है पराठे। तो पराठे यहाँ पे हम प्लेन ही बना रहे हैं, इसमें मैंने मोइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसमें हम अंदर घी लगा लेंगे। तो इससे पहले भी गुरुवार के व्रत की और मंगलवार के व्रत की बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है। तो उन सभी को आप चेक कर सकते हैं, आपकी आपको सभी रेसिपी अलग अलग यहाँ पे मिलेगी, जो कि आप मंगलवार और बृहस्पतिवार किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो ये एक हेल्प हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि हम फास्ट रख रहे हैं तो कौन कौन सी रेसिपी हम खा सकते हैं या फिर खाएं जो कि आसानी से झटपट बन करके तैयार भी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इजी रेसिपी मैं बताती हूँ जो कि आप व्रत में आसानी से बना करके खा सकते हैं। पराठे को दोनों साइड से सेकने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर से घी लगा लिया है, क्योंकि व्रत में जो है घी ही खाया जाता है, नॉर्मली घी ही खाते हैं। लेकिन अगर आपकी को घी पसंद नहीं है या फिर अगर आप रिफाइंड ऑयल भी खाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफाइंड ऑयल भी खा सकते हैं। दोनों साइड से अच्छे से घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद इसको क्रंची सेक लेंगे। क्रंची जो पराठे होते हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे पराठे हमारे तैयार हैं। अब हम बना रहे हैं आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला रिफाइंड ऑयल, साबुत जीरा, लाल मिर्च और आलू। तो आलू को थोड़े से मोटे मोटे साइज़ में मैंने कट कर लिए हैं। इस तरह से अगर आप आलू की भुजिया बनाते हैं
तो काफ़ी यम्मी बनता है। नमक का इस्तेमाल हम किसी भी रेसिपी में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार के व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आप खाते हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, बट जो वीकली व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाया जाता है। मैंने ऐसा ही पढ़ा है या फिर मैं ऐसा ही हमेशा से करते हुए आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो आलू की भुजिया है वो हमारी कुक हो गई है, हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने कुक किया, अच्छे से कुक हो गई है। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने कर दिया है हाई, क्योंकि भुजिया को मुझे करना है थोड़ा सा क्रंची। क्रंची करने के बाद जो भुजिया का टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और ये देखिए, हाई फ्लेम पे भुजिया को मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा रंग दे दिया है, और अब आपको दिख रही होगी बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर अगर आप आलू की भुजिया में डाल करके बनाते हैं तो बिना नमक के भी ये जो भुजिया होती है ना, मस्त लगती है खाने में, बहुत ही यम्मी लगेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इस तरह से अगर आप भुजिया बना करके खाते हैं तो। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये सारी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय बृहस्पति देव।